हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 1.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कपड़े का दाम कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 2 मीटर कपड़े का दाम 120 रुपया है, तो 5 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़े का दाम कितना होगा। ठीक है, तो इसमें बोला है 2 मीटर कपड़े का दाम 120 रुपये है, तो हमें निकालना है 5 मीटर 30 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मीटर कपड़े का दाम निकालेंगे। तो 1 मीटर कैसे निकालेंगे, जो दाम 2 मीटर का है 120 रुपया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 रुपया। तो 1 मीटर का आ गया 60 रुपया। पूछा है 5 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो पहले 5 मीटर का निकाल लेंगे। 5 मीटर कैसे निकालेंगे, जो दाम 1 मीटर का आया है 60 रुपया, उसको 5 से गुना कर देंगे। तो 60 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 300 रुपया। तो 5 मीटर का आ गया 300 रुपया। अब हमें 30 सेंटीमीटर का और निकालना है, तो 30 सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे, देखिए 1 मीटर का था 60 रुपया, 1 मीटर का 60 रुपया, तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे। 10 सेंटीमीटर का कैसे निकालेंगे, जो दाम 1 मीटर का है 60 रुपया, उसको 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6 रुपया। तो 10 सेंटीमीटर कपड़े का दाम आ गया 6 रुपया। अब निकालेंगे 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का कैसे निकालेंगे, तो 10 सेंटीमीटर का 6 रुपया है, तो 6 को 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 3 = 18 रुपया। तो 30 सेंटीमीटर का आ गया 18 रुपया, 5 मीटर का 300 रुपया, तब इन दोनों को जोड़ देंगे, 300 + 18 तो ये हो जाएगा 318 रुपया। तो 5 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़े का दाम हो गया 318 रुपया। तो इस प्रकार से हम कपड़े का दाम आसानी से निकालते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।